नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर विधान भवन में प्रदर्शन करने जा रही थी। इसके पूर्व ही बुधवार की सुबह पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। पार्टी की तरफ से ट्विटर, फेसबुक पर गुस्सा जताया गया। पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भर्तियों में धांधली, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, गरीब के घरों पर चल रहे बुलडोजर, किसानों की दुर्दशा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने आज विधानसभा जा रहे हैं सपा विधायक। लेकिन पुलिस ने सपा विधायकों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी। ये घोर निंदनीय है। तो वहीं इसी मामले पर रविदास मेहरोत्रा ने यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने समस्याओं को लेकर विधानसभा में धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम तय किया था। यह धरना शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, लेकिन प्रदेश सरकार की पुलिस के दमन और जुर्म से तानाशाह की वजह से धरने को दबाने का काम किया गया। को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा पर धरना का कार्यक्रम तय किया था। ये धरना शांतपूर्ण धरना था, लेकिन प्रदेश सरकार ने पुलिस के दमन और जुल्म से, तानाशाही से इस धरने को दबाने का काम हो रहा है। रात भर पुलिस हमारे घर के बाहर रही और आज जब पत्रकार मुझसे मिलने, बात करने के लिए आ रहे हैं, तो पुलिस जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास कर रही है। हम 10 बजे अपने घर से बाहर निकलेंगे। हम पुलिस के हर दमन, जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम सड़क से लेकर के और विधानसभा तक जनता के मुद्दों को लेकर दमन और जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेंगे। हम सरकार के दमन और जुल्म से डरने और झुकने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे कितना जुल्म, अत्याचार, अन्याय करे, हमारा संघर्ष। और इस बीच रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि आजम खान को दिल का दौरा पड़ गया है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दे आपको कि आजम खान को पड़ा दिल का दौरा। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। बड़ी खबर जहां पर समाजवादी पार्टी के रामपुर विधायक आजम खान की तबीयत 2 दिन पहले अचानक खराब हो गई थी, तब उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मंगलवार को आजम खान के दिल की एंजियोप्लास्टी सर्जरी कर हार्ट में एक स्टंट डाला है। और अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आजम खान को दिल का दौरा पड़ गया है, जिसकी वजह से उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों की उचित निगरानी में उनका इलाज जारी है।